दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं हूं हिमांशु जोशी और आप देख रहे हैं जे विजुअल एफएक्स। आज मैं लेके आया हूं वेडिंग वीडियो मिक्सिंग कैसे करते हैं। तो शादी का अगर आप मिक्सिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक वॉच कीजिए। ये पहला पार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी इसके आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए जे विजुअल एफएक्स को और बेल आइकन प्रेस कीजिए और पाइए मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे चलिए पहले। शुरुआत करते हैं। मैंने वीडियो क्लिप अपने सिस्टम में डाल ली है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी क्लिप्स में जाएंगे जहाँ भी हमारी वीडियो क्लिप्स हैं। इस तरह से आप भी एक फोल्डर बना लीजिए वीडियो क्लिप्स का। इस तरह से मेरे पास सारी वीडियो क्लिप्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो कपल क्लिप, बॉय और जो गर्ल की जो क्लिप हैं, उनको एक फोल्डर में रख लेंगे ताकि हमें ईजी हो जाए सॉन्ग प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप देखिए बॉय की क्लिप को और यहाँ पर जो गर्ल की क्लिप हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम जो कपल क्लिप हैं उनको भी कंट्रोल प्रेस करके ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से सारी क्लिप सेलेक्ट करने के बाद सिंपली किसी भी जो सेलेक्टेड क्लिप है उसमें राइट क्लिक करके कॉपी करके राइट क्लिक न्यू और फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। इसको हम दे देंगे क्लिप्स और जो एक क्लिप्स जो हमने कॉपी किए हैं उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास सारी क्लिप्स आ चुकी हैं। ये आप देखिए, ये जितनी भी हमारे पास बॉय, गर्ल और कपल क्लिप हैं वो सब आ चुकी हैं यहाँ पे इस फोल्डर में। तो यहाँ से हमारे लिए आसान रहेगा क्लिप लेना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनको नेम दे देंगे। तो इसके लिए हम देख लेंगे कि जो भी क्लिप हमें चाहिए, जो भी बेटर क्लिप है उसको हम देख लेंगे इस तरह से सिंपली प्ले करके। तो इस तरह से ये क्लिप थोड़ी बेटर लग रही है, तो इसको हम सिंपली रिनेम करके बॉय वन नाम दे देंगे। तो ये वाली क्लिप भी ठीक है, तो इसको हम रिनेम कर देते हैं बॉय टू। ये क्लिप ठीक है, इसकी टाइमिंग भी काफ़ी है, तो ये एक क्लिप हम नेम दे देंगे इसको गर्ल वन। ये एक क्लिप है, इसको भी हम रिनेम करके गर्ल टू दे देते हैं। ये क्लिप भी ठीक लग रही है, तो सिंपली इसको रिनेम करके आइज दे देते हैं। तो इस तरह से हम इसको कपल वन दे देते हैं। इसी तरह से हम सारी क्लिप चेक कर लेते हैं और इस तरह से उनको रिनेम कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारी क्लिप देख लिए हैं, चेक कर लिए एक एक करके। तो ये जो क्लिप हैं वो थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसको हम एडिट करके, इसको कट करके हम चेंजेस करेंगे इसमें, उसके बाद हम इनको रिनेम करेंगे। तो फिलहाल हमने इतनी क्लिप ले ली है, इसको सिंपली हम सेलेक्ट कर लेते हैं सबको, राइट क्लिक कट और राइट क्लिक न्यू करके एक नया फोल्डर बनाते हैं क्लिप्स का और इस तरह से उसमें पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सेलेक्टेड क्लिप हैं वो आ गई हैं। तो अब हम चलते हैं EDS की ओर। तो EDS में आप अगर वेडिंग वीडियो में मिक्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डोंगल सेटअप लेना होगा। उसके लिए आप सिंपली कहीं से भी, आपके लोकल से या फिर आप दिल्ली से भी डोंगल का सेटअप ले सकते हैं। तो मैंने लिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि इजी टू वर्क होता है, बहुत ज़्यादा आसानी से वर्क होता है, क्योंकि जो हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो ऑलरेडी बने हुए होते हैं। हमें सिंपली उन प्रोजेक्ट को ओपन करके उसमें वीडियो फुटेज डालनी होती है और उसको आगे इसी तरह से सारे प्रोजेक्ट को जो भी हमें चाहिए स्टार्टिंग से लेके सारे प्रोजेक्ट उसमें बने हुए होते हैं, तो उसमें हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं वीडियो तो और वो बन जाता है। तो बहुत आसान है, मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट ले लेंगे, इसमें हम नेम दे देंगे जो भी इसका नाम हम देना चाहते हैं, जो भी जिसकी भी ये शादी है उसका नाम दे सकते हैं या फिर जो भी आप देना चाहते हैं। मैंने फिलहाल नेम दे दिया है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रीसेट लेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप जो भी चाहते हैं। अगर आप 720p वाला चाहते हैं तो 720 ले सकते हैं, 1080 चाहते हैं तो 1080 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 1920x1080 सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर सिंपली ओके पे क्लिक कर लिया है। इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी, शायद आपको पता ही होगा इसके बारे में। इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमारी वीडियो फुटेज है उस फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हल्दी की, यहाँ पे तो हल्दी का प्रोग्राम है,
तो सबसे पहले हम हल्दी का प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद आगे की हम चीज़ें बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो बाकी चीज़ें हैं सॉन्ग प्रोजेक्ट चाहे वो टाइटल हो वो अलग से बनेगा और इसमें जुड़ के रेंडर होगा बाद में, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे। तो फिलहाल हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि कैसे हम शादी की वीडियो बनाते हैं, कैसे हम उसको रेंडर करते हैं, किस तरह से पूरा वीडियो बनता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले उन क्लिप्स को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हल्दी का प्रोग्राम है उस क्लिप्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तक हल्दी का प्रोग्राम है, इसको हम सिंपली फर्स्ट क्लिप सेलेक्ट करके और लास्ट क्लिप पर पहुँच के शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक किया तो ये सारी सेलेक्ट हो गई हैं और यहाँ से हमने ओपन कर लिया। इस तरह से सारी वीडियो फुटेज हमारी बिन में आ गई हैं, हमको सिंपली इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है टाइमलाइन में। तो इस तरह से हमारी सारी वीडियो फुटेज टाइमलाइन में आ गई हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेयर जो सेक्शन है फ्रेम साइज़ है, यहाँ पे आप देखिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग आता है, इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेंगे ताकि ये जो लेयर है वो बड़ी हो जाए और हम आसानी से इसको कट और देख सकें किस तरह से हम इसको कट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग की क्लिप आ गई है, यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग से इस तरह से आप इसको चलाइए, सिंपली आपको यहाँ पर जो टाइमिंग की लाइन है उसमें क्लिक करना है और इस तरह से इसको ड्रैग करना है ताकि आपको फास्ट जल्दी जल्दी ये दिख जाए और इसमें कोई अगर गलती है तो आप उसको कट कर सकें। तो मान लीजिए कि आपकी अगर गलती है और आप चाहते हैं यहाँ पर आपकी क्लिप थोड़ी कैमरा हिल गया है लास्ट में और इसको आप कट करना चाहते हो, तो सिंपली आप यहाँ पर कर्सर को रख के, ये जो आप देख रहे हैं इसको रख के सिंपली एम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए तो गैपिंग आ गई है, तो ये क्लिप के बीच में गैपिंग आ गई, तो यहाँ पर जो गया ब्लैक हो जाएगा। तो इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल जेड करेंगे, इस तरह से हम इसको कट नहीं करेंगे, इसको कट करने से पहले हम यहाँ पे सेट रिपल मोड ऑन कर लेंगे। इस तरह से ऑन हो गया है तो ये जो क्लिप है जब भी ये कट होगा यहाँ से तो ये क्लिप ऑटोमेटिकली आगे एडजस्ट हो जाएगी। तो सिंपली हम एम प्रेस करते हैं तो आप ये देखिए ये क्लिप आगे एडजस्ट हो गई है। तो इसी तरह से हम इसको भी ऐसे चेक कर लेंगे और यहाँ पर सिंपली इस तरह से हम कट करेंगे जो भी हमें नहीं चाहिए, फिलहाल ये थोड़ी ठीक है। और लास्ट की हम इसी तरह से सेम हम आगे चलाते जाएंगे इसको और चेक करते जाएंगे। फिलहाल मैंने ऑडियो बंद की हुई है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम लग सकता है, तो इसलिए मैंने ऑडियो बंद कर दी है, सिर्फ मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो आपके जो प्रोजेक्ट हैं उनमें ऑडियो ऑटोमेटिकली होगी तो आप इजीली बना सकते हैं, तरीका वही है, बस ये कि ऑडियो ऑफ है। तो चलिए यहाँ पर हम प्ले करके देख लेंगे कि यहाँ पर कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना हमने प्ले करके देख लेना है। फिर यहाँ पे रोक के हमने सिंपली इसको फिर इस तरह से आगे ले जाना है यहाँ तक, फिर प्ले करके देखना है, फिर इसको आगे ले जाना है यहाँ तक, फिर इसको प्ले करके देखना है। तो इस तरह से हमने प्ले प्ले कर करके इस पूरी जो वीडियो फुटेज है इनको चेक कर लेना है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे छोटी वीडियो फुटेज है इनका खासकर ध्यान रखना है कि इसमें कोई गलती हो सकती है, तो उसके लिए हमने सिंपली उनको कट कर लेना है एम एन प्रेस करके, या फिर डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली उसको सेलेक्ट करके सीधे सीधे डिलीट कर लेना है। तो इस तरह से ये सारा हमने चेक करने के बाद इसको सिंपली इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे सभी को और यहाँ से इफ़ेक्ट में जाएंगे और इफ़ेक्ट में जाके हम यहाँ पे ट्रांजिशन में जाएंगे और ये 2D इस तरह से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इनके ऊपर, ताकि जो एक क्लिप के बाद दूसरी क्लिप आए वो स्मूथली आए। तो आप और भी डाल सकते हैं लेकिन और थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, आप अच्छा बनाना अगर नॉर्मल अगर एक वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस तरह से नहीं कि उसमें ये ट्रांजिशन ही डाल के अच्छा होगा, आप सिंपली भी उसको अच्छा दिखने लायक अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये ट्रांजिशन अप्लाई किया, तो ये प्ले करके देखें तो इस तरह से ये स्मूथली आ रहा है। इतना करने के बाद हमें जितना भी पार्ट हमें चाहिए, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर तक ओरिजिनल साउंड है, उसमें भजन हो रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, स्टार्टिंग में जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं सगुन आखर, जो सगुन के जो गीत होते हैं वो गाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से हम देख लेंगे कहाँ तक वो ऑडियो है। मान लीजिए इन क्लिप तक वो ऑडियो आ रही है या फिर वो सगुन आखर है या फिर वो गीत है शुभ गीत है, तो उतना हम छोड़ के बाकी हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद इसको आगे हम ले लेंगे, इससे हटा देंगे। तो इतना हमने ओरिजिनल रख लिया, तो ये थोड़ा बहुत ओरिजिनल भी होना चाहिए शादी में, तो इतना हमने ओरिजिनल रख लिया और बाकी ये जो है इसको हम सिंपली राइट क्लिक करके कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए ओपन प्रोजेक्ट पे यहाँ पे एक डाउन एरो है, यहाँ पे सिंपली ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक नहीं करना है आपको, ये जो डाउन एरो है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इम्पोर्ट सिक्वेंस, इम्पोर्ट सिक्वेंस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ब्राउज करेंगे और यहाँ से हम जहाँ भी आपका वो डोंगल का डाटा है, जहाँ भी आपके प्रोजेक्ट हैं बने हुए
उस प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो यहाँ से मेरे केस में यहाँ पे वो सारे प्रोजेक्ट मेरे बने हुए हैं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले उन प्रोजेक्ट को चेक कर लूँगा जहाँ भी वो प्रोजेक्ट हैं 4K अल्ट्रा HD डाटा। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो इस तरह से जहाँ भी वो प्रोजेक्ट है वहाँ मैं देख लूँगा। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके फिर अंदर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट 2018 है, क्योंकि मैं 2018 में ये परचेज किया था, 2018 में परचेज किया था, तो उस टाइम पे जो लेटेस्ट था वो ये थे। तो अभी मैंने उसके बाद स्विच नहीं किया क्योंकि मेरा काम इसी में चल जाता है। ज़रूरी नहीं है आप हर बार चेंज करते रहिए, आपके ऊपर है। तो इस तरह से हमारे पास सारे प्रोजेक्ट हैं। आप देखिए ये डोंगल है, डोंगल का डाटा है, इसमें सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। यहाँ आप देखिए स्टार्टिंग है, तिलक है, सगाई है, मेहंदी है, हल्दी है, सहराबंदी है, बारात रास्ता है। इस तरह से सारे प्रोजेक्ट इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसे मेरी हल्दी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं सिंपली इसमें डबल क्लिक करूंगा। यहाँ पे हल्दी मास्टर प्रोजेक्ट, ये मास्टर प्रोजेक्ट है। मास्टर प्रोजेक्ट का मतलब होता है इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्टेड आ जाएगा फाइल नेम अंश हल्दी मास्टर, और सिंपली ओपन कर लेंगे। इस तरह से ओपन करने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा और सिंपली हम ओके कर लेंगे। ओके कर लेंगे तो ये यहाँ पर खुल गया है। ये मत्थे थे चमकनवाल गाना है जो प्रोजेक्ट है हल्दी का, तो ये पहले से ही बना हुआ है क्योंकि ये मैंने सेव कर लिया था, इसलिए सीधे डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। आपके केस में हो सकता है ये डायरेक्ट ना आए, तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, इफेक्ट के बगल में है बिन, बिन में जाना है। ये जो हमारा बिन है, बिन के नीचे, रूट के नीचे ही आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट आ गया है अंश हल्दी मास्टर। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हल्दी का सॉन्ग आपको चाहिए सिंपली उस पर डबल क्लिक करिए तो वो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले से ही ओपन हुआ है, मान लीजिए हमें ये वाला हल्दी का प्रोजेक्ट चाहिए और इसमें हमने डबल क्लिक किया तो ये यहाँ पे ओपन हो गया है। तो फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए मत्थे थे चमकनवाल, तो सिंपली जब ये इस तरह से ओपन हो जाएगा तो हमें जो मास्टर है इसमें डबल क्लिक करना है। तो ये जो हमारी रॉ फुटेज है, जो हमारा क्लिप है, उसके लिए सेक्शन ये है, यहाँ पर हमें वो क्लिप रखनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और जो मेरी क्योंकि ये पुरानी क्लिप्स हैं और जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे हो सकता है उसमें भी क्लिप्स हो या ना हो, ज़रूरी नहीं है होना, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से आपको मिलेगा अगर आपका उसमें डोंगल में, क्योंकि इस तरह से प्रोजेक्ट होते नहीं है। जो मेरा भी पहले से ही क्लिप्स थी उसमें, क्योंकि मैंने पहले सेव हो गया था गलती से, तो आपको इसको सेव नहीं करना है, कभी भी इस प्रोजेक्ट को सेव नहीं करना है। तो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आपको करना है, पूरा वीडियो देखिए आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। तो इस तरह से ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हमें सिंपली जो हमने कट किए थे उनको कंट्रोल वी करके इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारी सारी क्लिप आ गई हैं। यहाँ आप देखिए, तो ये क्लिप क्या है कि यहाँ तक ये गाना है, इसकी जो ड्यूरेशन है 5 मिनट 3 सेकंड 14 मिली सेकंड है, तो यहाँ तक ये गाना है। तो इससे आगे को जो क्लिप है ये उसमें प्ले नहीं होंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो क्लिप बच गई हैं उन्हें हमें सेलेक्ट कर लेना है और इन्हें यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो लेयर है, ये जो हमारी क्लिप्स हैं उनकी जो ऑडियो लेयर है उसको हमें यहाँ से ऑडियो म्यूट कर देनी है ताकि वो गाने के साथ ना बजे। अगर हम इसको नहीं म्यूट करेंगे तो वो क्या होगा, गाने के साथ बजने लग जाएंगी, तो वो मिक्सअप हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हमें मत्थे थे चमकन वाली प्रोजेक्ट में जाना है। यहाँ से मैंने, क्योंकि मेरा इतना पार्ट मुझे चाहिए था तो मैंने यहाँ पे इन आउट लगाया था, जो पुरानी जो मेरी क्लिप्स थी। अभी जो नई क्लिप्स हैं उसमें मुझे पूरा चाहिए, तो मैं सिंपली पूरा सेलेक्ट करके ओ प्रेस करके इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगा। आई प्रेस करेंगे तो इन सेक्शन लग जाएगा, ओ प्रेस करोगे तो आउट हो जाएगा, इन आउट। तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैं स्टार्टिंग में चलूँ और इसको प्ले करके अगर आपको दिखाऊँ, क्योंकि मैंने ऑडियो ऑफ किया है कॉपीराइट क्लेम ना लग जाए, तो मैं सिंपली इसको सिर्फ आपको वीडियो दिखाता हूँ इस तरह से। तो इसमें सारे इफेक्ट पहले से ही रखे हुए हैं, यहाँ आप देख लीजिए, तो ये इस तरह से चलते रहेंगे। तो आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वीडियो फुटेज, और यहाँ पर आप देखिए ये प्ले करके देखिए, तो ये इस तरह से चलता रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं अब आपको बताऊँ, तो अब इसमें हमारा है कि हमें इसमें गर्ल, बॉय और कपल क्लिप ऐड करनी है। कहीं कहीं पे जहाँ पे बोल होंगे तो वहाँ पे गर्ल की, बॉय की और कपल की भी क्लिप्स आती हैं बीच बीच में। तो ये देखिए इस तरह की वो क्लिप होती है। तो ये क्या है कि इस तरह से क्रॉस 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 लगा हुआ है इसमें, देखिए आप लाइनिंग है। इसका मतलब यह है कि ये क्लिप में कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे प्ले करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इस तरह से ब्लैंक आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे बॉय की क्लिप है इसको डबल क्लिक करना है, इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी, सिंपली इसमें डबल क्लिक करना है
और यहाँ से हमें उस फोल्डर में जाना है जहाँ हमने क्लिप का फोल्डर बनाया हुआ था, जहाँ भी हमने वो क्लिप का फोल्डर बनाया हुआ था उस फोल्डर में हमें जाना है। इस तरह से क्लिप के फोल्डर में जाने के बाद हमें बॉय की क्लिप यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर सिंपली हम बॉय पर कोई भी क्लिप जो आपको चाहिए वो क्लिप सेलेक्ट करके, यहाँ पर आप देखिए तो ये ओपन नहीं, ओपन का साइन बंद हो गया है अभी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच के पूछ रहा है। तो ये बोला लिंक ओनली फाइल्स दैट परफेक्टली मैच, मतलब जो परफेक्टली मैच करेंगी वही फाइल आप लीजिए। तो यहाँ पर अगर चेक होगा तो ये ओपन ऑन नहीं होगा, तो हमें सिंपली इसको ऑफ कर देना है, इसको अनचेक कर देना है, जो राइट लगा हुआ है इसको हटा देना है और ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये यहाँ पर आ गई, हम सिंपली ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अब बॉय की, अब ये देखिए लाइनिंग हट गई है। इतना करने के बाद यहाँ पर जितनी भी क्लिप्स हैं, जो भी आप बॉय या फिर गर्ल या फिर कपल की जो भी क्लिप्स हैं, उनको सिंपली इस तरह से डबल क्लिक करके, जैसे गर्ल की क्लिप है इसको डबल क्लिक करके यहाँ से रिस्टोर फाइल बोल रहा है, तो MPG है। तो इसको अगर यहाँ पर आपकी क्लिप नहीं दिखाता है, क्योंकि फोल्डर तो क्लिप्स का ही है लेकिन ये दिखा नहीं रहा है, क्लिप्स का फोल्डर आप देख सकते हैं लेकिन ये क्लिप्स नहीं दिखा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फाइल्स ऑफ टाइप यहाँ पर ऑल फाइल्स कर देनी है, ताकि ये MP4 जो फाइल हैं, H.264 जो फाइल हैं उनको भी दिखा दें। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिंपली गर्ल की फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और सेम यहाँ पे भी हम इसको हटा देंगे और ओपन कर लेंगे। इस तरह से हम ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्लिप आ गई है, ये हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, ये हमारा बन गया है हल्दी का। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट सीक्वेंस है यहाँ पे देखिए आप, सीक्वेंस फर्स्ट जो हमारा लिया हुआ है वो यहाँ पे ही रहेगा, तो इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। इसको आपको ओरिजिनल जो क्लिप्स हैं, जितनी भी आप चाहे आप हल्दी का बनाएंगे प्रोजेक्ट, चाहे आप बरात रास्ता का बनाएंगे, चाहे आप शादी का जयमाला, वो सारी चीज़ें बनाएंगे, तो वो पूरा इसमें जुड़ेगा ताकि ये पूरा एक प्रोजेक्ट बने। तो यहाँ पे हम इसको सीक्वेंस को फर्स्ट सीक्वेंस लेंगे, उसमें सिर्फ हम वो रखेंगे जो हमारी बन चुकी हैं। तो अभी हम क्या है कि हमने ये मत्थे थे चमकन वाल वाली बना ली है, हल्दी की जो हमने बना ली है, तो हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं मत्थे थे चमकन वाल नाम लिखा हुआ है, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू बिन करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये बिन में ऐड हो गई है, यहाँ पे आप देखिए इस तरह से बिन में ऐड हो गई है। तो यहाँ से हमें सीक्वेंस फर्स्ट में जाना है और सिंपली इसको इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इस तरह से हमको ऑडियो लेयर टॉप में ले लेनी है। यहाँ पर ले जाने के बाद अब आप देखिए ये ओरिजिनल हमारी ऑडियो है, ये हमारा सारा ओरिजिनल है, और यहाँ से हम इसको प्ले करेंगे। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से प्ले होने के बाद यहाँ से ये गाना शुरू हो गया। अब इस बीच में आप चाहते हैं कि ये स्मूथली आए, तो सेम आप वही कीजिए, 2D में जाके डिसॉल्व एक ट्रांजिशन है उसको अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो इस तरह से ये एक से दूसरी क्लिप में जाएगी आसानी से। इतना करने के बाद अब हमारी जो कुछ क्लिप्स थी वो हमारी बच चुकी थी, जो गाना था वो उतना था नहीं जितनी वो क्लिप्स थी, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंट्रोल वी करके उन क्लिप्स को ले आना है, क्योंकि हमने कट किया हुआ था तो हमने यहाँ पे वो क्लिप्स ले ली हैं। अब आप चाहते हैं अगर तो इसी तरह से जैसे हमने ये मत्थे थे चमकन वाल वाला प्रोजेक्ट बनाया, इसी तरह से दूसरा गाना इसमें डाल सकते हैं। यहाँ बिन में हल्दी मास्टर में जाके यहाँ से कोई भी आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आपके पास अगर कोई गाना है तो उसको सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करके इस तरह से जहाँ भी आपका वो सॉन्ग है उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ला सकते हैं और उसको इसके नीचे लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली जैसे मेरे पास ट्रैक है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जो भी, जैसे ये है चढ़ रही हल्दी, ये हल्दी का गाना है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस इनको ये सिलेक्टेड हैं, जैसे अगर ये नहीं है सिलेक्टेड तो इनको पहले सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से राइट क्लिक करना है, लिंक ग्रुप में जाना है और इनको अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप करने के बाद ऑडियो लेयर को डिलीट कर देना है। इस तरह से आप ये देखिए तो ये थोड़ा एक साथ चिपक गई हैं, तो इसके लिए हमें पहले कंट्रोल जेड करना है। तो डिलीट करते वक्त ये ज़रूर ध्यान देना, आप ये देखिए अभी इस तरह से फाइल है, डिलीट कर रहे हैं तो ये बहुत छोटी छोटी एक साथ चिपक गई हैं इस तरह से, तो कंट्रोल जेड हम कर लेंगे पहले। तो जैसे हमने अनग्रुप कर ली, उसके बाद हमें यहाँ पर जो सेट रिपल मोड है उसको हटाना है, उसको बंद करना है, ऑफ करना है, उसके बाद हमें इसको डिलीट करना है ताकि ये एक साथ चिपक ना जाए। तो इस तरह से ये हमने इनकी ऑडियो लेयर हटा ली है, यहाँ से हम ये गाना सिंपली इसके ऊपर जो ऑडियो लेयर है उसके ऊपर ले आएंगे, और यहाँ से हम जितना भी हमें गाना चाहिए उतना हम इस तरह से एम प्रेस करके कट कर लेंगे, और वही यहाँ पे हम इफेक्ट में जाएंगे, डिसॉल्व हम जो हमारा ट्रांजिशन था उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इन दो क्लिप के बीच में भी, ताकि यहाँ से भी स्मूथली जाए,
तो ये हमारा गाना बन चुका है हल्दी का, तो ये प्रोग्राम हमारा हल्दी का बन चुका है। नेक्स्ट हम जो अगली जो हमारी क्लिप्स हैं उनको ऐड करेंगे और उसके लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। इससे आगे को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।